अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो न्यू है मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं। और प्लीज़ 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 वीडियो देखने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड देन स्टार्टिंग द वीडियो। आज का जो टॉपिक है कंडक्टेंस। आज हम कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और कंडक्टर की कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो कंडक्टर्स के हम डेफिनेशन देखते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कॉल्ड कंडक्टेंस मींस कंडक्टेंस की कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है उसका रेसिप्रोकल जो होता है उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? रेजिस्टेंस मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया भी था कि जो कंडक्टर रेजिस्टेंस मीन के ऑपोजिशन जो होती है सब्सटेंस के अगेंस्ट उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब उस रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वो कंडक्टेंस होगा। देन हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको अभी तक डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई होगी। डेफिनेशन क्या है? द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर कॉल्ड एज कंडक्टेंस। एंड द रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन हम जी से जिसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन हम मैथमेटिकल फॉर्म देते हैं इसकी डेफिनेशन के लिहाज से। आपको पता ही होगा हमने अपने डेफिनेशन में डिस्कस किया था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मींस को हमें बहुत इजीली इसके मैथमेटिकल फॉर्म पता चल गई कि रेजिस्टेंस का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास कंडक्टेंस आ जाएगी। कंडक्टेंस आ जाएगा और जब हम इसे मैथमेटिकली लिखते हैं जी इज इक्वल्स टू 1/r मीन्स के रेसिप्रोकल लेंगे। जब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है इसको सॉल्व करना है ना, ये सिंपल इक्वेशन है। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो हम रेजिस्टेंस की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो यहाँ अप्लाई करेंगे। रेजिस्टेंस की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो है आर नरो इनटू एल डिवाइडेड बाय ए लेंथ ए रेजिस्टिविटी। देन ये हम पुट करेंगे इधर रेजिस्टेंस की जगह आर की जगह ये हम वैल्यूज पुट करेंगे जी इज इक्वल्स टू 1/ρ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। जब हम इसे अरेंज करेंगे तो हमारे पास ए जो एरिया है वो डिनोमिनेटर में आया था एल के, तो हम उसे न्यूमिनेटर में ऊपर ले जाएंगे और ये हो जाएगा जी इज इक्वल्स टू एरिया डिवाइडेड बाई रेजिस्टिविटी इंटू एल लेंथ। देन हम इसकी यूनिट देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। ऐसा ही यूनिट है कंडक्टेंस की MHO, मोह। ओम था उसे उल्टा कर दिया, हमारे पास मोह बन गया। और हम इसे सिंपली एक और भी वर्ड होता है जो हम यूज़ करते हैं साइमन। साइमन वर्ड है जो इसकी यूनिट है उसको हम साइमन कहते हैं। अब ये असल में है क्या साइमन? व्हाट इज साइमन? इसे एब्रीवेट कैसे करेंगे? इसकी सिंपलेस्ट इक्वेशन वो यूनिट क्या है वो हम सारे देखते हैं कि कैसे हमारे पास ओम से MHO बन गया। और ये सारी डिटेल अभी हम बताती हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि कंडक्टेंस जो है वो इक्वल होता है एरिया डिवाइडेड बाय रो इनटू एल के, तो हम इसी से सॉल्व करेंगे ना, इसी से हम यूनिट इसकी निकालते हैं। यूनिट हम ऐसे निकालेंगे, देखिए जी इज इक्वल्स टू एरिया के हमने यूनिट ऐड की मीटर स्क्वायर, रो की हमने यूनिट ऐड की ओम इनटू मीटर, देन हमने लेंथ की यूनिट ऐड की मीटर। जब हमने इनकी यूनिट्स ऐड की तो हमारे पास कटिंग हो गया, नीचे भी एम स्क्वायर बन गया था, ऊपर भी एम स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो हमारे पास आ गया 1/ohm मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ ओम। जब हमारे पास रेसिप्रोकल मीन्स इनवर्स आ गया ना, कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ द ओम। और इनवर्स हम ओम का कैसे लेंगे? इसको उल्टा कर देंगे MHO मोह पर देगा। और सिंपली इनवर्स ऑफ द ओम इज इक्वल्स टू अ साइमन। साइमन इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ द ओम और इनवर्स ऑफ द ओम इज नोन एज साइमन। सो ये जो है वो यूनिट है, साइम भी कहते हैं साइमन भी कह सकते हैं, इसकी यूनिट है कंडक्टेंस की। देन हम कंडक्टिविटी देखते हैं कि कंडक्टेंस की कंडक्टिविटी की क्या है। देन स्टार्ट करते हैं कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी की डेफिनेशन अगर देखते जाएं कि हम के द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और कंडक्टिविटी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल जो कंडक्टिविटी आती है। अब रेजिस्टिविटी क्या, रेजिस्टेंस का हमने बता दिया कि वो अपोजिशन होती है सब्सटेंस के अगेंस्ट, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके अगेंस्ट जो अपोजिशन होती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो कंडक्टेंस हो जाता है। और उसकी हमने मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस की, यूनिट डिस्कस की, हम इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी खुद से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर लूँ। तो कंडक्टिविटी क्या बात करते हैं, कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है कि जो अपोजिशन होती है सब्सटेंस के अगेंस्ट, कंडक्टर के अगेंस्ट, कंडक्टर की लेंथ कितनी है और क्रॉस सेक्शन एरिया भी देखेंगे तो वो हमारे पास रेजिस्टिविटी आ जाती है। कंडक्टर की लेंथ और एरिया को हम मद्दनज़र रखते हुए हम उसको सॉल्व करें तो हमारे पास पता चलता है कि उसकी जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी जो अपोजिशन हो रही है वो इतने लेंथ के कंडक्टर के साथ हो रही है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, तो वो हमारे पास रेजिस्टिविटी हो जाएगी। अब उस रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं और रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। दैन हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं रेजिस्टिविटी की, कंडक्टिविटी की रिप्रेजेंटेशन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम सिग्मा से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली हम देखते हैं कि सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/रो। रो को हमने बताया था कि मेरी पिछली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं कि रो इज इक्वल्स टू 1/r रो, सॉरी रो की जो इक्वल होता है वो होता है रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ की। तो यहाँ पे हम रो की वैल्यू पुट कर देंगे फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 1/रो को, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। जब हम इससे अरेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एल जो है वो डिनोमिनेटर में, डबल डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर जाएगा, न्यूमिनेटर बन जाएगा यहाँ पर। देन हम आगे देखते हैं इसकी यूनिट क्या है, यूनिट इसकी है मोहो इंटू इनवर्स ऑफ मीटर और साइमन डिवाइडेड बाय मीटर, हम ऐसे भी कह सकते हैं सिंपल। अब हम सॉल्व करते हैं, कन्फ्यूजिंग है ना यूनिट के, कैसे मो इंटू मीटर आया, साइमन इंटू डिवाइडेड बाय मीटर, इंटू नहीं डिवाइडेड बाय मीटर आया पर कह सकते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा जो हम यूनिट निकालते हैं वो मैथमेटिकल फॉर्म से निकालते हैं, तो हम इसी से यूनिट निकालेंगे ना, सिग्मा इज इक्वल्स टू एल डिवाइडेड बाय आर ए। अब यहाँ पे एल डिवाइडेड बाय आर ए को सॉल्व करते हैं। लेंथ की यूनिट हमें पता है मीटर है, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम और एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, जो न्यूमिनेटर में एक मीटर है वो डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में दो मीटर है, मीटर स्क्वायर है, उसमें से एक से कैंसिल हो जाता है। जब ये कैंसिल होता है तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1/ohm इंटू मीटर। तो हम कह सकते हैं कि ohm मीटर इनवर्स, तो हमारे पास इसी तरह क्या इनवर्स आया, तो ओहम को हम जब इनवर्स करेंगे वो आ जाएगा और पर जो है साथ मीटर का आ जाएगा। और हम कह सकते हैं पीछे हमने किया था 1/ohm इज इक्वल्स कंडक्टेंस की यूनिट की थी, 1/ohm इज इक्वल्स टू साइमन, यहाँ पे मीटर भी साथ आ गया तो हम साइमन के साथ मीटर इनवर्स भी लगा देंगे, समझ आई। तो आज का ये टॉपिक था, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी, जो समझ नहीं आई आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। और सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती हैं, तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो अगले लेक्चर में मैं आपको मिलती हूँ। Thank you so much for watching my video.